अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रही है फजी ब्राउनी, वो भी विदाउट ओवन। इसे हम पतीले में बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिए हमने 1/2 कप, कोको पाउडर लेंगे हम 1/4 कप, डार्क चॉकलेट लिए हमने 200 ग्राम, वनीला एसेंस लेंगे हम 1/2 टीस्पून, 3 अदद अंडे लेंगे, बटर लेंगे हम 100 ग्राम, कप में होगा ये 1/2 कप, ब्राउन शुगर लेंगे हम 1/2 कप, पाउडर चीनी लेंगे हम 1 कप। तो ये चीज़ें चाहिए हमें ब्राउनी बनाने के लिए। एक बड़ा सा हमने पतीला ले लिया, उसमें नमक बिछा लिया और कोई सा भी जाली स्टैंड रख लिया। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें और उसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे तब तक जब तक हमारा केक का बैटर ना तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लेंगे। एक बोल ले लेंगे, उसमें ये चॉकलेट डाल देंगे, कप में होगी ये 1 कप, और साथ ही हम इसमें ये बटर डाल देंगे और इसे हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तो ये देखिए बटर और चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रह गई है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप इसे डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं। सॉस पैन में पानी रख लें, उसे अच्छे से बॉयल आने दें। जब वो बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर दें और उस पर इस तरह का बर्तन रख दें, उसमें चॉकलेट और बटर डाल दें और उसे मिक्स करते जाएं, तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखें चॉकलेट और बटर अच्छे से मेल्ट हो गया और मिक्स भी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अंडे, थोड़ा सा ठंडा करके इसमें अंडे डालें, ये ना हो गर्म गर्म में आप डाल दें। तो पहले हम चीनी डाल देते हैं, तो पाउडर चीनी डालेंगे, साथ ही इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और वनीला एसेंस भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अंडे, एक एक अंडा तोड़ के मैं इसमें डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। और अब इसमें हम डालेंगे दूसरा वाला, मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे लास्ट वाला अंडा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड मिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास बीटर नहीं होता तो उनको मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो अच्छे से ये मिक्स हो गए अंडे इसमें डाल के। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा और कोको पाउडर, ठीक है। मैदे को हमने छान के रखा हुआ था तो मैदा डाल देंगे, और कोको पाउडर को भी हमने छान के रखा हुआ था। और अब इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। सारा अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं, अब इसे हम ब्राउनी मोल्ड में डाल देंगे। इसे मैंने बटर से ग्रीस किया और ऊपर बटर पेपर लगा दिया। अगर बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगाएं, ऑयल से ग्रीस करें और मैदा छिड़क दें, ठीक है। तो मैंने बटर पेपर लगा दिया और अब ये हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम सेट कर लेंगे। और अब इसे हम टैप कर लेंगे। अब इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब ये ब्राउनी हम इसमें बेक होने के लिए रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, देखेंगे ब्राउनी हमारी बेक हो चुकी है। तो ये देखिए फजी ब्राउनी हमारी बेक हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और उसके पीसेस कर लेंगे। और इसको हम प्लेट में रख देंगे। तो ये देखिए बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये ब्राउनी तैयार हुई है। तो इसे हम रखते जाएंगे और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी सी फजी ब्राउनी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यकीनन आपको ये रेसिपी देख के आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। बहुत ही मज़े की बनी है ये, देखिए विदाउट ओवन बनाई है तो परफेक्ट बनी है। तो अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में भी बना सकते हैं। तो यकीनन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे।
तो अगर आपको ये मज़े की फजी ब्राउनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं लाइफ विद आमना में जाके इसे सब्सक्राइब करें इस बटन पर क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।